अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं लेके आई हूँ क्रीम फ्रूट चाट, थोड़ा सा टैंगी, थोड़ा सा मीठा। तो मेरे पास ये कुछ फ्रूट्स थे जो मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने वही ले लिया। आप इसमें और भी एडिशन कर सकते हैं फ्रूट्स की। तो ये पपाया है, केले हैं, सेब है, और एक क्रीम का पैकेट है, क्रिस्टल जेली है, पाइनएप्पल का एसेंस है और कुछ केले हैं। अब सबसे पहले हम ये क्रिस्टल जेली बना लेंगे। जब तक ये ठंडी होगी, जब तक हमारे फूड की कटिंग भी हो जाएगी और जल्दी शॉर्ट टाइम में हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। ये क्रिस्टल जेली है, इसमें मैंने एक कप पानी लिया है और एक पैकेट क्रिस्टल जेली का डाला है। अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद हो या आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो भी डाल सकते हैं। वैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है और इजीली बन जाती है। अब जब तक ये फ्रिज में हम रखेंगे ठंडा करने के लिए, ये जम भी जाएगी और हमारा जब तक दूसरा फ्रूट रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रीम लेंगे, पूरा एक पैकेट। आपके पास जो भी हो या आपको जो पसंद हो वो क्रीम भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही क्रीम लेनी है। अब हम इस टाइम पे हम ये पाइनएप्पल का एसेंस डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब वन बाय वन सारे फ्रूट्स डालेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करना है, इसको एक साथ मिक्स करेंगे तो वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। अब ये बनाना है, इसको भी इसी तरीके से क्यूब्स की तरह कटिंग करना है और इसको इसी तरीके से डालना है। केले की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि इससे हमारा जो फ्रूट क्रीम चाट है वो थोड़ी सी अच्छा लगता है खाने में और अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आता है। अब ये पपैया है, इसको भी मैंने क्यूब्स की तरह काटा है और इसको भी इसी तरीके से डालेंगे। क्रीम फ्रूट चाट बनाने के लिए केले मस्ट हैं। इसके अलावा आप कोई भी फ्रूट, सॉफ्ट फ्रूट हो वो डाल सकते हैं, और एप्पल इसलिए मैंने डाला है, थोड़ा हेल्दी हो जाता है, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। को बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं इजीली, इसमें कोई स्पाइसेस तो है नहीं। तो ये क्रीम है और सॉफ्ट भी होता है। एप्पल इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि ये हेल्दी फ्रूट है और ये खाना भी चाहिए हमें, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप वो नहीं डाल सकते, और जो भी आपके पास फ्रूट हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से सब मिक्स कर लिया हमने, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। अब जो क्रिस्टल जेली मैंने रखी थी वो हमारी जम चुकी है, अब वो उसको भी इसी तरीके से क्यूब से काटेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।